रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, योर सर्च एंड्स हियर। घर कहीं भी लेना हो या हो बेचना, तो हर कोई इनकी देता है मिसाल। रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल, रियल एस्टेट का कोई सवाल, टीम सबरवाल। फॉर एनी इन्फॉर्मेशन कॉल सौरभ सबरवाल 6478648844, दैट 6478648844, और विजिट teamsabarwal.com। योर सर्च एंड्स हियर। हाँ जी मेरे भाइयों, ये हेडो वॉइस अनामिका और जतीन के संग, और हम हैं आपके दोस्त जतीन। सही सुना आपने, कहीं घर लेना हो या घर हो बेचना, हर कोई देता है इनकी मिसाल, टीम सबरवाल। बंदर भाइयों, अगर आप आपका घर बेचना चाहते हैं या ड्रीम होम की आपको तलाश है, या फिर एक्सप्लोर करना चाहते हैं द लेटेस्ट न्यू कंस्ट्रक्शन डेवलपमेंट्स, तो एक ही नाम, पीके सबरवाल। बंदर भाइयों, सालों से कम्युनिटी की सेवा में और पैशन है लोगों को एजुकेट करें रियल एस्टेट के जरिए, इसीलिए आते हैं रेडियो वॉइस पर। आइए सीधे चलेंगे उन्हीं के पास, लेकिन हम स्टूडियोज की लाइन ओपन कर रहे हैं, आप स्टूडियो में कॉल कर सकते हैं, रियल एस्टेट का कोई भी सवाल सबरवाल जी से पूछ सकते हैं। गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है जब सबरवाल से सीधी आपकी बात होती है। स्टूडियोज के नंबर 416-593-0055, 416-593-0055, सीधे चलेंगे उन्हीं के पास। सबरवाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। जतिन भाई, थैंक यू वेरी मच एंड वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल अवर लिसनर्स। जतिन भाई जी, गुड आफ्टरनून सबरवाल जी, और रियल एस्टेट के हवाले से अपडेट हमारे श्रोताओं को जरूर दीजिए। मिक्स्ड खबर आ रही है मार्केट में। सबसे पहले तो ये बता दूं कि जो सीएमएससी की रिपोर्ट आई है, चौंका देने वाली रिपोर्ट, सीएमएससी ने ये कहा है डिस्पाइट वीक इकॉनमी बहुत वीक चल रही है, इसके बावजूद वो फोरकास्ट कर रहे हैं कि दो साल के अंदर, अगले दो ढाई सालों में, बाय द ईयर 2026 स्टेट होम प्राइजेस विल जंप 20% हायर। वाह, 20% जंप, मतलब ये इतना डर वाली बात है। वीक इकोनॉमी के बावजूद उसमें उन्होंने यहां तक क्लियर कर दिया कि एग्जिस्टिंग होम प्राइस जो है 2024 में 4.9% बढ़ेंगे, 1.3 तो बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, 4.9% बढ़ेंगे, और उसका लगभग डबल बढ़ेंगे 2025 में 9.5% और 2026 में 4.6%। यानी कि इंटरेस्ट रेट कम होने की हम बात कर रहे हैं और यहां पर प्राइस बढ़ने की बात हो रही है, डिस्पाइट इस बात के कि इकोनॉमी इतनी वीक है कि एक किस्म से उसको रिसेशन मान लो आप, एक किस्म से रिसेशन मान लो, जबकि रिसेशन नहीं है मेरे हिसाब से। ये एक मिक्स रिएक्शन जबरदस्त आया और जो कि एक चुका देने वाला, और दूसरी तरफ ये रिपोर्ट्स कि कैनेडियन बिजनेसेस इनसॉल्वेंसीज 87% बढ़ गई हैं फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, 87% इंसॉल्वेंसीज बढ़ गई हैं। और जतिन भाई, ये इंसॉल्वेंसीज जो जो फिगर आई है वो, लेकिन जो लोग बेचारे बिजनेस बंद करके चले गए उनकी अभी कोई रिपोर्ट नहीं है। बिजनेसेस बंद होके चले गए, ताला लगा दिया, चल नहीं पाए, ये तो इंसॉल्वेंसीज की रिपोर्ट है 87% फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। और ये जो ओएसबी की खबर है, कोई ये नहीं कि मैं बोल रहा हूँ या कोई बोल रहा है, ये चीज जो है बहुत जबरदस्त चौंका देने वाली है। और ये इंटरेस्ट रेट कम हम बोल रहे हैं, दूसरी तरफ से जैसे बिल्डर कई फेल हुए, अब जो इंसेंटिव बिल्डरों से बड़े बड़े लेके आ रहा हूँ, ये हम कहते हैं कि बिल्डरों ने कीमतें बढ़ा दी, लेकिन अब ये कम होने में क्या हो रहा है, बैंक्रप्सीज हो रही हैं, प्रोजेक्ट फेल हो रहे हैं, यानी कि वी आर नॉट डूइंग गुड। अब देखो, कंजर्वेटिव पार्टी की उम्मीद है अगर आते हैं तो क्या करते हैं, पर मुझे पक्का पता है कि इतनी जल्दी ये खड्डे नहीं भर सकते और सारा ब्लेम ये लिबरल पे डाल देंगे कि वो हमारे लिए करके चले गए जी। और हमारे साथ एक कॉलर भी जुड़ चुके हैं, उनको भी हम कनेक्ट कर लेते हैं। अमजद जी, आप ऑनर हैं जी। सबरवाल साहब, खैरियत से हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक सर, थैंक यू, आप बताइए। जी बिल्कुल ठीक ठाक। सबरवाल सर, सवाल ये पूछना था, ये जो नए नए प्री कंस्ट्रक्शन जो आ रहे हैं, और जो रेडियो पे अक्सर एड सुनते हैं कि कोई गाड़ी फ्री दे रहा है तो कोई सोना फ्री दे रहा है, जी, तो आप ये बताइए कि ये इसमें आगे जाके कोई फायदा भी है प्री कंस्ट्रक्शन में, या सिर्फ गाड़ियां लेके बाद में किससे बढ़ते रहेंगे हम उसकी?
बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो बात ये है, जो कहते हैं टू गुड टू बी ट्रू है ना, कई बातें होती हैं कि वो जो हजम नहीं होती। ये गाड़ियों के और ये इंच के चक्कर में फंसा, वो इंसेंटिव्स हो सकते हैं, लेकिन अगर उसके बेसिस से कोई आप बुक कर रहे हैं तो वो बहुत बड़ा खतरा ले रहे हैं। अभी तो बिल्डर ये दे रहे हैं कि कुछ बिल्डरों ने ये कर दिया कि जो ओरिजिनल प्राइस में बेचा था इन्वेंट्री क्लियर करने के लिए, उससे भी कम करके उन्होंने बोला हमारी इन्वेंट्री क्लियर करो। कुछ बिल्डर है उसकी किसी के 18 अभी किसी के यूनिट बच गए, उसने कॉल करके बोला कि ठीक है ये निकाल दो, ओरिजिनल प्राइस से भी 50,000-60,000 कम कर दिया, जो इन लोगों ने ओरिजिनल में लिया था उससे भी कम। तो मैंने कहा उनका क्या होगा जिन्होंने ओरिजिनल लिया था, कहते हैं जब अगर 2 लाख कीमत बढ़ गई थी तो कमाए भी तो था उन्होंने, ये मैंने इन्वेंटरी क्लियर करनी है, बात खत्म हो गई। तो इन्वेंटरी क्लियर करने के लिए ये इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, पर आपका और हमारा धर्म ये बनता है कि हम उस लालच में ना जाएं, बल्कि हम ये देखें क्या वो पर स्क्वायर फीट और लोकेशन के हिसाब से बिल्डर भी ठीक है, क्लोजिंग लॉन्ग है। शॉर्ट क्लोजिंग में तो मैं कुछ भी लेने को तैयार नहीं हूँ, इट हैज टू बी लॉन्ग क्लोजिंग। आप कभी मुलाकात कर लीजिए, फिर आपको नंबर बना के बता देंगे क्या लेना चाहिए क्या नहीं। बिल्कुल, आप भी रेडियो में आए तो कुछ अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताइएगा अगर आपके पास मुनासिब समझे आप। मैं तो बता रहा हूँ कि मैं बिल्डरों से 3-3 लाख तक के बेनिफिट्स लेके दे रहा हूँ, लेकिन मैं क्लोजिंग जल्दी नहीं, मेरे को जल्दी क्लोजिंग में तो इससे भी ज्यादा मिल रहे हैं। मुझे क्लोजिंग चाहिए 3 साल की, 2027-2028 की, 26 एंड की, तो फिर आप मुझे मिल लीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। और ये फोन करके जी मेरे को टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिएगा। थैंक यू जी, अपना नंबर रिपीट करवा दीजिएगा जी। 647-299-4757 6-4-7-2-9-9-4-7-5-7 थैंक यू जी। थैंक यू। जैसे आपने सर बात करी कि प्राइजेस इंक्रीज हो रहे हैं 20-25% अभी जनवरी में भी दिख रहा है कि जनवरी से लेकर अब तक भी ग्रेटर टोरंटो नोएडा में जीटीए में स्पेसिफिकली दिख रहा है ये ग्रोथ। तो स्पेसिफिकली ऐसा नहीं है कि एक ही घर के हो रहे हैं, इट्स अबाउट एवरी, चाहे डिटैच हो चाहे वो इस समय अपना सेमी डिटैच हो, तो सारे ही प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं या अभी भी कुछ है ऐसा कि शायद ये पर्टिकुलर एरिया शायद ना इतना इंक्रीज हो। नहीं 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 नहीं, हर जगह देखो ज्यादा नहीं बढ़े, पर फिर भी देखो अप्रैल का जो महीना निकला है द वीकेस्ट मंथ एवर इन सेल्स, द वीकेस्ट मंथ एवर इन सेल्स रिकॉर्ड किया गया है ये अभी अप्रैल पिछला महीना, लेकिन एवरेज प्राइस फिर भी 1.3% बढ़ गया, एवरेज प्राइस 1.3% बढ़ गया। अब अगर ये वीकेस्ट सेल है तो कहा जा सकता है कि बायर्स मार्केट है, क्योंकि SNLR जिसको कहते हैं सेल्स टू न्यू लिस्टिंग रेशियो, जिसको SNLR उसको हम नापते हैं, उससे हम नापते हैं कि ये बायर मार्केट है कि सेलर मार्केट है, वो 41% रह गया। 41% का मतलब है इफ इट इज लेस देन 45% इट गोज टू इट इज कॉल्ड ए बायर्स मार्केट, ये बायर्स की मार्केट हो गई। पर ये कैसी बायर्स की मार्केट है जहां पर बायर ही नहीं है? करेक्ट। कैसी बायर की मार्केट है जहां बायर ही नहीं है? यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि बायर्स मार्केट में है पर बायर्स को मॉर्गेज नहीं मिल रही, क्योंकि वो जो है अफोर्डेबिलिटी के अंदर नहीं आती, या उनकी जो अप्रूवल है वो नहीं हो रही, स्ट्रेस टेस्ट के अंदर फेल हो रहे हैं। तो ये ऐसे एक चक्र व्यू में फंस गए कि सेलर मार्केट में आ गया लेकर, इन्वेंट्री लेवल बहुत बढ़ गया, बायर चाहते हैं लेना पर ले नहीं सकते, इसीलिए इंटरेस्ट रेट का कम होना बहुत ही जरूरी है। और हमारे साथ कॉलर भी जुड़ गए हैं, राज, आप ऑन एयर हैं राज, वेलकम टू रेडियो वॉइस। हाय, गुड आफ्टरनून पीके जी। गुड आफ्टरनून राज जी। सर एक क्वेश्चन है, मेरा बेटा 5 साल से एक कॉन्डो में है मिसिसागा में जी, तो अब वो मूव करना चाहता है टू ए होम, टाउन होम जी, एंड उसका बजट है 900,000 का, एंड ही इज प्रिपेयर टू मूव आउट ऑफ मिसिसागा से अबाउट 50 किलोमीटर जी, वेरी नाइस, एनी डायरेक्शन। एक बार बताइए बेटा कौन सी बिल्डिंग में रहता है, उससे कुछ मुझे बहुत सारा आइडिया मिल जाएगा। 5 साल हो गए उसके, वेरी क्लोज। बिल्डिंग का नाम क्या है? ब्रिक्स समथिंग, ब्रिक स्टोन,
हाँ, ब्रिक स्टोन की बात कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल स्केयर वन के अपोजिट है और स्केयर वन रोड के ऊपर है, और ये उससे और आगे आ जाइए, ब्रिक स्टोन जो है ये वैंकूवर की कंपनी जिन्होंने बनाया था ब्रिक स्टोन, या एक कम से कम कह लो सिटी हॉल है ना, जहाँ पर वो स्विमिंग पूल वगैरह बना हुआ, उसके अपोजिट कह लो, और उसके अपोजिट दूसरी तरफ MCT बन रही है। ये नई बिल्डिंग है सर, ये बिल्डिंग भी नई है और बड़ी ब्यूटीफुल बिल्डिंग है और अच्छी बिल्डिंग है, और वो उसका अगर अपना है तो उसकी इन्वेस्टमेंट अच्छी रही, उसने पैसा कमा लिया। हाँ सर, 5 साल हुए हैं, बट अनफॉर्चुनेटली वो कोविड से एक साल पहले लिया था उसने। ओ नहीं, उसने वो मैंने सोचा उसने बुक किया था। नहीं 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 नहीं, रीसेल में लिया। बुक करने वालों के पास डबल से ज्यादा हो गए वहाँ पर। हाँ, लेकिन कोई बात नहीं, उसने फिर वो गलत टाइम पे ले लिया। मैं क्लोजिंग के बाद उसका हो गया, कोई बात नहीं सर। उसके लिए आप मुझे मिल लीजिए, मेरे को मेरा नंबर नोट कर लीजिए, मैं पूरा प्लान करके दे दूंगा, और 9 लाख में तो उसको बहुत सुंदर घर मिल जाएगा आजकल, बिल्डर से ब्रांड न्यू भी मिल जाएगा। नहीं, वो कह रहा है कंडीशन ये है मेरी, टाउन होम जिसमें जो कि 40-50 किलोमीटर हो मिसेस सागर से, और वहां पर गो हो जाती हो बिकॉज उसकी वाइफ डाउनटाउन में काम करती है। बिल्कुल समझ गया सर, रोज मिलते हैं। आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए राजी, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मुलाकात कर लेंगे। मैं आपको मिला हूँ 4-5 साल पहले, आई हैव गॉट ऑल डिटेल्स। जी, मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं मुलाकात कर लेते हैं हम आपस में। ठीक है सर, ठीक है ठीक है, थैंक यू। पर वो ब्रिक स्टोन में लोगों ने बहुत पैसा कमाया, लेकिन अब गलत टाइम में ले लिया आपके बेटे ने। सर उसके लिए भी लाइन चाहिए ना हर चीज के लिए। जी जी, कोई बात नहीं सर। जी हमारे साथ सैयद जी भी, पीके सब्रवाल जी जुड़ चुके हैं, उनका भी सवाल है। जी आप सैयद जी ऑन एयर है, वेलकम टू रेडियो वॉइस। जी सैयद जी, सैयद जी का कॉल ड्रॉप हो गया, वही बी बैक अगेन। तो सर हाँ जी, आप कंटिन्यू कर रहे थे, आप बता रहे थे अबाउट द प्राइसेस एंड आई गेस सैयद जी। तो ये जो है सेल जो है फर्स्ट मंथ एवर रिकॉर्ड हो गया, कैनेडियन बिजनेस की इंसॉल्वेंसीज 87% हाई फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024। ये कुछ बातें डराने वाली बातें हैं सारी, हालत कुछ ठीक नहीं है और ना जल्दी ठीक होने वाली है। मैं ये अर्ज करूंगा जिन लोगों ने भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो प्लीज 2 साल से ज्यादा लंबी करें, शॉर्ट इन्वेस्टमेंट ना करें। हमारे साथ सैयद जी ऑन एयर आ चुके हैं, उनका कॉल ड्रॉप हो गया था। सैयद जी आप ऑन एयर हैं। हेलो, गुड आफ्टरनून पीके सबरवाल एंड अनदर आई डोंट नो योर नेम, हाउ आर यू टुडे? अनामिका सर, नाम पहले अनामिका और जतिन जी। अनामिका पिक्चर देखी है आपने? नहीं देखी। अरे सर देखिए सर, इनसे पूछ रहा हूँ, अनामिका से थोड़ा पूछूंगा अनामिका के बारे में। अच्छा अच्छा, संजीव कुमार से पूछूंगा ना। सही है सर, सही, थैंक यू। हाँ जी, संजीव कुमार आई थिंक सो इज द हीरो। ओके, सो आई हैव टू हाउसेस, वन इज अ टाउन हाउस एंड अदर वन इज अ कॉन्डो इन्वेस्टमेंट। सो द टाउन हाउस आई बॉट इन प्री कंस्ट्रक्शन 2 years ago, इट्स 500 प्लस एंड नाउ इज द वैल्यू इज इन बिटवीन 800 to 900। आपकी क्लोजिंग आ चुकी है? Closing is done and I took closing is done. I'm here in 2 years. अच्छा जी, आगे बताइए। कॉन्डो डिटैच हाउस एंड आफ्टर 1 year बिकॉज आई टुक वेरिएबल रेट, आई वॉन्ट टू गो टू द डिटैच हाउस। सो व्हाट यू सजेस्ट मी टू टेक अ रीसेल और बुक अनदर डिटैच हाउस? नहीं, मेरे को बात क्लियर नहीं हुई। ये टाउन होम जो बोल रहे हैं इसको बेच के आप डिटैच घर में जाना चाहते हैं? ऑफ कोर्स, एग्जैक्ट। अच्छा, तो फिर आप टाउन होम के अंदर इक्विटी कितनी बन गई आपकी? सॉरी, ये कितनी मॉडल है इसके ऊपर? बस 2 मत की हुई है, समझे 100,000। बस इसके अंदर आपकी इक्विटी 7 लाख पड़ी हुई है, बहुत बढ़िया हो गया। इतनी चीज आपको कॉन्डो बेचने की जरूरत नहीं है, आप आराम से डिटैच घर में जा सकते हैं। कितने तक का दिला देंगे आप? आपकी फैमिली इनकम क्या है? 40-50 प्लस। नहीं, 50,000 की बात कर रहे हैं? जी जी जी। नहीं, फिर आपको बड़े डिटैच में नहीं जाना चाहिए सर, फिर कांडो भी बेचना पड़ेगा। मैंने सोचा जिस आदमी के पास टाउन रूम भी है कांडो भी है उसकी इनकम ज्यादा होगी, ये तो बड़ी खुशी की बात है। इतनी छोटी इनकम में भी आपने 2 प्रॉपर्टी बना रखी है, जतिन भाई कितना अच्छा एग्जाम्पल है ये, बताओ लोगों के लिए। और ये कांडो कौन सा आपके पास जो बुक किया हुआ है? शायद आपने भी बेचा हो इधर ओशवा में, UC Tower 1-3। हाँ, UC Tower की बात कर रहे हैं, उसको भी निकाल दीजिए फिर आप जा सकते हैं। वो तो अभी एंड ऑफ, नहीं तो मैं तो चाहूंगा कि अभी 1 साल और रुक जाओ, क्लोजिंग उसकी एंड ऑफ द ईयर होगी। हाँ, 1 साल और रुक जाओ, ज्यादा अच्छा रहेगा, अब बढ़िया से घर में जाओगे। नहीं तो आज 7 लाख है तो आप 1 मिलियन के घर तक जा सकते हैं।
नहीं तो फिर तो एक साल बाद तो फिर प्राइस उसकी और ज्यादा बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगा प्राइस, आपके टाउनों का भी तो प्राइस बढ़ेगा, वो भी मैं बेचने के लिए नहीं कह रहा ना, उसको भी रोक दो। बल्कि डिटैच घर से ज्यादा टाउनों का घर का प्राइस बढ़ेगा। अच्छा, डिटैच से ज्यादा टाउन हाउस का बढ़ेगा जी, क्योंकि लोग ले नहीं पा रहे ना इसके। ये वॉलमार्ट है, ये टाउन हाउस वॉलमार्ट है, मतलब लेने वाला जाना है, भीड़ ज्यादा है इसके अंदर। ओह गुड आइडिया, सो आई कैन अंटिल 1 ईयर। ओके, आई विल कॉन्टेक्ट यू आफ्टर 1 ईयर। जी सर, जी सर, बहुत खूब। मैं आपको सबरवाल जी का नंबर भी बता दूं, 6472994757, 6472994757। जैसे कि हमारी ये प्रिय श्रोता ने कहा गुड आइडिया, यही होता है जब सबरवाल जी से बात होती है ना, तब यही होता है कि गुड आइडिया बेस्ट इन्वेस्टमेंट। आइए चलते हमारे अगले श्रोता की ओर, लेते हैं उनका कॉल। जफर जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जफर जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो वॉइस में। हाँ जी पीके साहब। जी जफर भाई। जी पीके साहब, बस मैं आपका बहुत टाइम से लिसनर हूँ, लेकिन आज पहली दफा जसारत की है आपसे कॉल करने की के अंदर। और आप जो सर आप नॉलेज दे रहे हैं, बस हम चुप करके बैठ के नॉलेज लेते जा रहे हैं आपसे। थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोगों का दिया हुआ है, मैंने 2-3 शो पहले कहा था कि जब मैं रेडियो में आया था तो लोग क्वेश्चन लेने से डरते थे, मैं इसलिए नहीं डरता था कि जब लोग क्वेश्चन करेंगे मैं उसी से सीखूंगा, तो आपके क्वेश्चन से ही मैं सीखा। नहीं ये आपका गाइडेंस है सर, नहीं आपकी इतना नॉलेज है सर, इतना एक्सपीरियंस है, हम तो आपसे सीखते रहते हैं रोजाना। सर मैं एक थोड़ा सा मसले में फंस गया हूँ, मैंने कहा आपसे मशवरा करूँ। जी जी, बहुत डायरेक्ट तो नहीं है उससे, लेकिन आपको पता है मतलब आपकी कोई बात नहीं, बताइए। आई एम श्योर सर, मेरा एक यहाँ पे मैं लंदन में रहता हूँ, तो मेरा एक रेंटल प्रॉपर्टी है मेरी, स्टूडेंट रेंटल। आपकी आवाज थोड़ी कटनी शुरू होगी, जरा फोन पे रहिए सामने। आपकी क्या लंदन रहते हैं फिर? जी रेंटल प्रॉपर्टी है, रेंटल होम है मेरा लंदन ऑन्टारियो में। जी जी जी, तो उसमें स्टूडेंट्स को मैंने रखा हुआ है, 5 कमरे होते हैं जिस तरह से, उस तरह जी 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 जी। तो उसमें से सर एक स्टूडेंट जो है ना, फर्स्ट टाइम हुआ है कि उसने मुझे रेंट देना बंद कर दिया है। हाँ, तो अभी तक कभी ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ, और ना वो जा रहा है ना रेंट दे रहा है, क्या ऑप्शन? तो आपको लेट नहीं होना, देखो एक हफ्ता का रेंट लेट होता है, तो आपने लेट नहीं होना, इमीडिएटली मुझे बाद में कॉन्टेक्ट करो, मैं आपको अपने इन हाउस जो पैरालीगल है, जो रेंटल संभालती है लेडी पैरालीगल, मैं उसका नंबर दूंगा। इमीडिएटली आपको उसको नोटिस देना है और इमीडिएटली आपने उसको निकालना है। जफर भाई, ये जो हम लोग वेट कर करके अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार लेते हैं, ये बात हम लोग नहीं समझते कि हम जो लेट कर रहे हैं शायद दे देगा, शायद दे देगा, शायद दे देगा, ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये आपको निकालना ही पड़ेगा। ये N4 कहते हैं इस फॉर्म को, N4, ये N4 का नोटिस आपको इमीडिएटली पहले देना ही पड़ेगा, N4 नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। अच्छा, अच्छा ये क्या इसकी फीस वगैरह भी तो होगी ना आपके? अच्छा सुनो, आधा तो काम मैं ही करवा दूंगा बिना फीस के आपको, उसके बाद अगर बाद में जरूरत पड़ेगी तो हो जाएगा, मुझे आप बाद में टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है क्या करना है, इसकी कोई फीस नहीं है। ये थैंक यू जतिन और अनामिका जी का जिन्होंने मौका दिया यहाँ पर, तो शायद आपका काम यहीं से बन जाएगा। लेकिन अगर आपको पैरा लीगल तक जाने की बात बन गई तो 500-700 हजार का खर्चा आएगा, लेकिन किराया ना देने से तो अच्छा है ना कि कम से कम निकालो तो सही। जब वो निकल जाए, जब वो निकल जाए तो उसके बाद उसकी रिपोर्ट करके क्रेडिट जरूर खराब कर देना, ताकि उसको ये समझ आ जाए कि मैंने किसी और को तंग नहीं करना। अच्छा सर, ये भी आप बताइएगा क्रेडिट। जी हमारे साथ अभी एक और कॉलर जो है वो जुड़ चुके हैं, उनको भी हम ले लेते हैं, काफी देर से वेट कर रहे हैं। वेलकम टू रेडियो वॉइस। हेलो जी सर, सही सबरवाल साहब, नमस्कार। नमस्कार सर, आपकी बातें सुन सुन के मैंने घर लिया था। ओह वेरी गुड, कौन, क्या नाम है सर आपका? अरविंद पटेल, आपका ही क्लाइंट हूँ। मॉर्गेज वहाँ से लिया, आपके ऑफिस में से ही, मेरे ऑफिस से। अच्छा जी, ठीक है जी। ओके, भांजी साहब से। जी जी जी। ओके, मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कभी रिपोर्ट नहीं पढ़ता हूँ, पर ये CMHS की रिपोर्ट मैंने पढ़ी और उसमें ऐसा लिखा है कि द प्राइजेस इन 2026 विल क्रॉस फरवरी 2022। जी हाँ, इसलिए जंप है या पर इट विल गो इवन बियॉन्ड दैट प्राइस। यस यस यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। जो भी वेट कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको बताया कि वो जो भी वेट कर रहे हैं लेने के लिए ले लो, पीके सबरवाल से सुन के हमने लिया है, आप भी ले लेना। और मेरा क्वेश्चन ये है सर, अब मॉर्गेज, अब जो मलाई खा रहा था वो अब मॉर्गेज रिन्यूनेशन आता है मेरा इन अक्टूबर, तो व्हाट शैल आई डू?
अक्टूबर तक दो बार कम हो चुका होगा, मेरा अंदाजा है अक्टूबर तक 0.5% नीचे आ चुका होगा। अभी अक्टूबर की रेन्यूअल के लिए आप मेहरबानी करके आप मेरे को जुलाई में मेरे से बात करिएगा। ओके थैंक यू। जुलाई में बात करिएगा तब क्या इकोनॉमी क्या हालात बैठते हैं उसका पिक्चर क्लियर हो जाएगी। आज वैसे भी आपको इतने महीने पहले कोई बैंक नहीं करेगा, तो वैसे भी 4 महीने का टाइम होता है, मेरे से जुलाई में बात करिएगा, उसके बाद आराम से बैठ के दोनों भाई बात करेंगे। और वापिस में 1 लाख डालने वाला हो तो मुझे नहीं लगता बिल्कुल वो और अच्छा हो गया, फिर बैठ के बात करेंगे अरविंद भाई। ठीक है ओके थैंक यू सर। सर जो आपकी रियल इस्टेट की बात होती है, अभी इतने सारे कॉल वेटिंग पे हैं, लेकिन वक्त आ चला है कि रियल इस्टेट के साथ साथ आपकी रियल लाइफ स्टोरी भी जो हम करते हैं कवर उस पे आने का। तो सर हम लोग क्या है रेडियो वॉइस इस बार मदर्स डे बड़े अलग तरीके से सेलिब्रेट करने की कोशिश में है कि हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन इस बार हम सेलिब्रेट कर रहे हैं माँ के हाथ का खाना, क्योंकि कोई भी इतनी दूर आता है तो सबसे पहले मम्मी के हाथ की बनी हुई खाने की चीज़ याद आती है। तो आप रियल लाइफ स्टोरी बताते हैं तो उसमें आज हमें हमारे लिसनर्स को जरूर बताएं कि कौन सी वो एक फेवरेट डिश थी आपकी जो आपकी मदर बनाती थी और आपको लगता है कि इसके टक्कर की उस जैसा टेस्ट आ ही नहीं सकता। क्या बात है अनामिका, तुमने मेरा दिल छू लिया, मतलब कमाल कर दिया। मैं बताऊं आपको, मेरे को मेरी मदर के हाथ की तंदूर की दाल वाली परौंठी और दही जिसके अंदर खीरा डालते थे वो और मूली कटी हुई साथ में, इससे अच्छा खाना आज तक कभी नहीं लगा। दाल वाली रोटी तंदूर की, मैं इसके ऊपर 2 मिनट लगाना चाहता हूँ प्लीज। ये मेरी यादों की एक बहुत बड़ी याद है, यादों की बहुत बड़ी याद है माँ के लिए कि वो मेरे को जब भी जब यहाँ से वापस गई मेरी मदर 2001 में, तो कह के गई थी कि आ रहा है, मैंने ये स्टोरी बता रखी है, तो जो उनके हाथ का, बल्कि मेरी वाइफ ने भी उनसे सीखी, मेरी वाइफ भी बहुत अच्छी कुक है, तंदूर में रोटी बनाना, ये दाल वाली परौंठी साथ में दही का रायता कुकुम्बर का, तो वो बहुत अच्छा बनाती है। पर मैं खा के अपनी वाइफ को ओपनली कहता हूँ मेरी माँ जैसी भी बना सकी तू है तो अच्छा, वो प्यार। मेरी वाइफ भी हंस के कहती है मम्मी से ही तो मैंने सीखा है, अब उन जो गुरु का ही खाना अच्छा लगेगा, मेरा तो ना तुम्हें अच्छा लगेगा। तो मेरी मदर हर साल जाके बनाती थी तंदूर की रोटी छत पे बैठ कर, क्योंकि विंटर में जाता था तो छत के ऊपर गर्मी धूप बड़ी अच्छी लगती है, आपको बताया इंडिया की धूप। अब मैं एक एक इमोशनल बात तक जाता हूँ कि जब मेरी मदर बुजुर्ग होती गई और वो तंदूर छोड़ती नहीं थी मेरे जाने के बाद, हफ्ते में 2-2 बार खिलाती थी, तो मैंने एक बार महसूस किया जब वो 90s के क्लोज पहुंची, 90 के क्लोज, तो मैंने कहा माँ ये नहीं चलेगा अब। मम्मी कहती नहीं, तो मैं अड़ गया। मैं अपने छोटे भाई ने कहा भैया कब आ रहे हो, मैंने कहा पहले मेरे को कसम खा कि माँ वो अभी इतने बुढ़ापे में ऊपर बैठ के मिले रोटी तंदूर में नहीं लगाएगी बस। हालांकि दिल तो अंदर से मेरा भी करता था राइट। उसका फोन आया भैया आ जाओ आपको सरप्राइज मिलेगा और आप दुखी नहीं हो गए, तो जाना तो था ही। मैंने खैर मैं गया तो वही दोपहर का टाइम इतवार का था, चलो जी ऊपर। मैं कहा माँ मैंने मना किया था, कहते तू आ तो जाओ ऊपर। जब ऊपर गया इट वॉज सच ए टचिंग थिंग टू सी, मेरे भाई ने एक छोटा सा 18 इंच का तंदूर बनवा के रखा हुआ था। वाओ छोटा सा तंदूर 18 जिसमें 2 या 3 रोटी लग सकती थी ज्यादा से ज्यादा, बनवा के रखा हुआ था। कहता ले भैया मम्मी अब कुर्सी में बैठ के बनाएगी तेरे लिए। वाओ आई मीन इट गिव मी टीयर्स इन माय आईज। अब मैं वो माँ को चूमता हूँ, आप बताइए जतिन भाई क्या उससे अच्छा रोटी का मजा आ सकता है। बहुत सही कहा आपने। देखिए सबरवाल जी कहते हैं ना कि अगर हम बाहर 5 स्टार में भी खाए तो हमारा पेट भरता है, लेकिन माँ के हाथ का खाना खाए तो हमारा मन और दिल भर जाता है। जी मैं इतना वहाँ पर इमोशनल हुआ, गले मिला, चूमा, शी वाज इन 90s और वो छोटा सा तंदूर मेरे भाई ने बनवा के रखा हुआ 18 इंच का होगा या उससे भी छोटा होगा, कहता देख इधर टॉय है इसमें तेरी 3-4 रोटियां जरूर बनेंगी। तो ये जो बात है ना मदर्स डे में, और इस बार हम मदर्स डे में हमारा क्लोज नेटवर्क जो है जितने हमारे दोस्त हैं हम लोग 19 तारीख को मदर्स डे वाला तो नहीं, मदर्स डे वाला दिन तो हम सब हमारा परिवार है, 3-4 मेरे बेटे के परिवार, बेटी का परिवार और हम लोग, बेटी के इन लॉज और मेरे बेटे के इन लॉज, हम सब एक ही परिवार है, क्योंकि मेरे संधि दोनों तरफ के सब कुछ हम लोग इकट्ठा मदर्स डे मना रहे हैं। लेकिन उसका अगला 19 को हम लोग फ्रेंड सारे मिलकर मदर्स डे बना रहे हैं सारे मिलकर, और वो एक सेकंड सेलिब्रेशन है मेरी लाइफ की, जो सेकंड अचीवमेंट थी जो मैंने पिछली बार बात की थी आपके साथ। तो मैं इसको कंक्लूड करना चाहूंगा, जो पिछली बार बात हुई थी कि
क्या चीजें रही जो इनमें बहुत कुछ मैं माँ से सीखा। मैं बार बार, मुझे कई लोग कहते हैं, मेरे को कोई इस बात का गिला शिकवा नहीं जो कहता है ये मामा करता, मैं बिल्कुल करता हूँ, मैं उन्हीं से सीखा हूँ। एक बात मैं उनसे सबसे बड़ी ये सीखा कि बहुत गरीबी में उन्होंने 7 बच्चों को बहुत काबिल बना दिया। तो ये चैलेंज खड़ा हो गया, मेरी मदर ने मुझे अकेले में से पूछा, अगर तुम ये मानते हो कि मैंने इतनी गरीबी में 7 बच्चों को बहुत काबिल बना दिया, तुम इतने भी लायक नहीं हो कि तुम अपने आप अकेले को काबिल नहीं बना सकते। वाह। तो वो कुछ बातें उनकी थी जो मैंने सीखी और मैं कुछ बताना चाहता हूं आज कंक्लूड करता हुआ। सबसे पहले जो मैं बात सीखा, मेंटेन बैलेंस इन लाइफ, जिंदगी में बैलेंस बना के रखो। ये दौलत है आपकी, माँ बाप का प्यार ये दौलत है, बहन भाई ये दौलत है, बच्चे दौलत है, स्पाउस ये दौलत है, ये दौलत यही साथ जाएगी। हमारी मदर कहा करती थी, जो निभा लिया और हंडा लिया वही कमा लिया, बाकी सब गवा लिया। वाह क्या बात है। तो ये जो हमारी दौलत, जब हम गलतफहमी में रह जाते हैं ना जतिन भाई कि पैसा ही दौलत है, तो हम सारे रिश्ते खराब कर लेते हैं जिंदगी में। दौलत की भूख ऐसी लगी कि कमाने निकल गए, जब दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए, बच्चों के साथ रहने की फुर्सत ना मिली, जब फुर्सत मिली तो बच्चे घर से निकल गए। वो कैसी दौलत कमाई आपने मुझे बताओ। दौलत अगर वही बच्चों के साथ बैठा होता, उनके साथ एक डिनर साथ लिया होता, डाइनिंग टेबल पे अगर बैठे होते, तो ये 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 जो चीजें थी, एक पहली पॉलिसी जिंदगी में सीखा, मेंटेन बैलेंस इन योर लाइफ विद ऑल द रिलेशंस। दूसरी बात मेरे साथ जो मेरी बिजनेस के लिए जो मैं इतनी ऊपर वाले ने मुझे दिया, उसके लिए ये मेरे फादर का एक डायलॉग था कि वेवलेंथ जिससे आपको पॉजिटिवनेस लगती है, जिसको मिलके आपको पॉजिटिव सा लगता है हर चीज, उसको कभी मत छोड़ो, और जिससे आपके अंदर नेगेटिव आती है उसके करीब किसी हालत में मत जाओ, चाहे वो नाराज हो जाए। एक मेरी जिंदगी में ये बात बहुत इंपॉर्टेंट रही जो कि मैं बताना चाहता था। एक, हम लोग काम करते हैं पर अपना ट्रैक नहीं रखते खुद का कि मैं कहां तक हो चुका, कहां मैंने कमियां करी, कहां तक मैंने सफल लिया। एक अकाउंटिंग, एक आपका जैसे कहते हैं ना बजटिंग, ये चीजों के ऊपर मैंने बहुत ध्यान दिया जिंदगी में, अपने आप को ट्रैक रखा। होता क्या है कि लोग ट्रैक नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल कोई बिजनेस कर रहा है, वो कहता है ओ इतना पैसा मेरे पास आ गया, वो तो कमा लिया, पर ये देखो जो पैसा आया है ये उधार का तो नहीं आ गया कहीं, कहीं आपने पीछे से माल खरीदा, सामान खरीदा, उनको 2 महीने का पैसे देने हैं, आपका हाथ खुला हो गया। जो पैसा देना है वो मान के चलो, और जो लेना उसको 0 मान के चलो। फाइनेंशियली मार खा ही नहीं सकते कभी बिजनेस में आप। अक्सर बिजनेस मार इसलिए खाता है कि वो लेने को भी काउंट कर लेता है कि मैंने चलो जी 2 लाख लेने हैं मार्केट से और 2 लाख देने हैं, वही मार खा जाता है। देने तो देने ही पड़ेंगे, लेने में हो सकता है कोई बैंकक्रप्ट हो जाए। तो ये एक पॉलिसी मेरी जो जिंदगी में रही, जो लेना है उसको 0 मान के चला मैं जिंदगी में। अब बताओ मैं रोटी कैसे खाऊंगा, और जो देना है वो 100% मान के चला, ये तो मैंने देना ही देना है। एक मेरी जिंदगी में और बात बड़ी इंपॉर्टेंट रही जतिन भाई की, मैंने कंटिन्यूस धीरे धीरे इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश करी, जल्दबाजी मैंने कभी नहीं करी जिंदगी में, धीरे धीरे मैंने इंप्रूवमेंट्स करने की कोशिश करी, और वो है छोटी सी एक चीज से यहाँ तक आज आ गया। और जैसे किसी भाई ने कहा कि कार ही मिलती है, मुझे भी बिल्डर से 500,000 की लंबरगिनी अभी अवार्ड हुई है, मेरे को अवार्ड मिला है, लंबरगिनी 5 लाख की मिली है, अचीवमेंट। वाह। और एक मैंने जिंदगी में बहुत अच्छी चीज जो अपनी मदर से ही सीखी, ये भी कि जिंदगी में कीप थिंग्स सिंपल, बस सिंपल जिंदगी, हंसी मजाक, परिवार, खाना पीना, बिजनेस, ये वो, एक दूसरे को मर्ज नहीं किया और हरेक को अपनी पूरी जिंदगी और जिंदगी को सिंपल, छल कपट नहीं, कोई उतार चढ़ाव नहीं, कोई इधर की कहानी उधर की कहानी दिखावा, ये चीज जिंदगी में मैंने कभी नहीं रखी। और एक कम आउट ऑफ योर कम्फर्ट जोन जिसको कहते हैं, कम्फर्ट से बाहर निकलोगे तो कुछ करोगे, कम्फर्ट से बाहर ही नहीं निकलोगे तो क्या कर लोगे मुझे बताओ। सर्दी बहुत है, गर्मी बहुत है, तो कनाडा के वहां सर्दी बहुत है, तो कंफर्ट जोन से बाहर निकल जाओ, थोड़ा सा अपने शरीर को स्ट्रेस भी दो। ये मैंने एक लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट सबक सीखा। और उसके अलावा प्रोडक्टिव, आपका टाइम प्रोडक्टिव कितना है, बिजी कितना नहीं,
बिजी तो बंदर भी रहता है बहुत ज्यादा, बिजी तो बंदर भी है। एक कहो तो मैं बंदर की छोटी सी बात बताऊं, एक मिनट लगा कर। हाँ जी प्लीज। एक जंगल में ये हड़ताल हो गई कि जी हम राजा जो है ना शेर को नहीं बनाएंगे, हम किसी और को बनाएंगे। उन्होंने बंदर को राजा बना दिया। अब जो बंदर को राजा बना दिया तो एक एक जो बकरी थी उसका बच्चा एक शेर लेके भागा और बकरी भागी बंदर राजा के पास कि वो शेर मेरा बच्चा लेके भाग गया, वो खा जाएगा, बचाओ। बंदर कहता चल मेरे साथ। बंदर भागा और शेर को देख के पेड़ पे चढ़ गया और इधर उधर छलांग मारने लगा बड़ी बड़ी, आधा घंटे तक मारता रहा। बकरी ने कहा तू कुछ करेगा भी? उसके बाद शेर ने बकरी के बच्चे को खा लिया। बंदर नीचे उतरा, बकरी को मिला, कहता देख बहन मेहनत करने में तो मैंने कोई कसर नहीं छोड़ी थी, इस पेड़ से उस पेड़ पे, अब किस्मत तेरे साथ थी। ऐसी मेहनत किस बात की जो प्रोडक्टिव ही ना हो। मेरा मतलब कहने का प्रोडक्टिव वाली बात मैंने जिंदगी में अपनाई। और एक मैंने इमीडिएट एक्शन की बात मैं हमेशा बात करता हूँ, व्हाटएवर यू डिसाइड टेक इमीडिएट एक्शन, ज्यादा लंबा मत रहो। और एक फोकस जिंदगी में, अर्जुन वाली बात जो चिड़िया की आंख, ये कुछ बातें थी जतिन भाई। मैंने टाइम लिया और 5-7 हफ्ते मैंने लगाए, जिसने कि जिसके अंदर मेरे पास बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस मेरे पेरेंट्स का था। और उसके बाद जिसे कहते हैं ठीक है, मैं आई एम वेरी हैप्पी व्हाट आई एम नाउ। बाकी आप लोगों का प्यार है, सिंपल जिंदगी में को रखा, ना गलत काम किया ना गलत काम करने दिया, अपने साथ सिंपल जिंदगी रखी और आप जैसे भाइयों का प्यार रहा। थैंक यू वेरी मच। वो मदर डे वाली बात तो अनाम खान ने अचानक कह के दिल खुश कर दिया मेरे को, कि भाई मेरे को एक याद इसने और दिलवा दी आज, वो रोटी वाली, तंदूर की रोटी, दाल वाली। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी, आपने अपनी कहानी हमसे शेयर की, कई लोगों को इंस्पायर किया, लोग दिल से कनेक्ट हो गए अपनी माता से और जिंदगी की पॉजिटिविटी से। आपका जितना भी शुक्रिया अदा करें इतना कम है। और माँ क्या कहे, हमारे पास कुछ भी ना हो फिर भी माँ के लिए, शायद हमारे पास बड़ी रियासत ना हो फिर भी माँ के लिए तो हर बेटा राजा बेटा ही रहता है, यानी कि हर बेटे को। जितिन भाई मैं अभी भी कहता हूँ मेरी माँ तो गई नहीं है, वो तो मेरे साथ ही है, साथ ही है, अभी तक तो मैंने माना ही नहीं की गई है, और इसलिए मैं रोज सीखता हूँ। जतिन भाई जाने से पहले एक छोटी सी मैं एक बात कह रहा कि मैंने आज तक कभी ऐड में कभी नहीं किसी की करी, इसकी मैं ऐड जरूर करना चाहता हूँ कि एक बड़ी जबरदस्त प्राइवेट सेल मेरे एजेंट के पास है जहाँ मैं रहता हूँ, जॉर्ज टाउन बिल्कुल उसके साथ है। अगर मैं ना रह रहा होता इस घर को मैं ले लेता। ये बिल्डर का बनाया हुआ मकान है, बहुत जबरदस्त, 5,000 स्क्वेयर फीट इसका जो लिविंग स्पेस है इसकी, 1 एकड़ के अंदर बना हुआ है, बेलेना फ्लैट जगह है, कस्टम बिल्ड बिल्डर का बना हुआ, 4 बेडरूम, 4 वॉशरूम, 3 कार का गैराज है, टोटल 15 कारें आ सकती हैं। इंडोर स्टीम है, सोना है, इंडोर और आउटडोर वुड बर्निंग फायरप्लेस है, वॉकआउट बेसमेंट है, ह्यूज रैप अराउंड डेक है इसका, ह्यूज पाउंड है इसके पीछे, ब्यूटीफुल नेचर के अंदर आके बैठने वाली जगह है, सिर्फ 2.1 मिलियन में। रीजन ये है कि इसको किसी तरीके से मार्केट नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ सम रीजंस, कईयों के कई रीजन होते हैं, इसलिए MLS में नहीं डाला हुआ इसको, प्राइवेट सेल है, 2.1 मिलियन ओनली, बहुत सस्ता मिल जाएगा ये, 2.1 मिलियन ओनली, जबरदस्त 1 एकड़ के अंदर बना हुआ मकान। उसके लिए मुझे टेक्स्ट मैसेज डाल दीजिए, आपको डिटेल इमीडिएटली उस एजेंट के थ्रू मैं भिजवा दूंगा आपको। बहुत ग्रीनरी हाल्टन हिल के अंदर है ये, और आप मुझे टेक्स्ट डाल सकते हैं 6472994757, 6472994757। थैंक यू वेरी मच जतिन भाई, बहुत बहुत शुक्रिया सबरवाल जी। थैंक यू, थैंक्स।